हम आपसे और शेयर पता करें, आप अपने लिए अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स है वो जल्दी से बता दीजिए। जी हाँ, जो मेरा ग्रो ट्रेडिंग आज एक्चुअली आउट परफॉर्मर है आईटी। मेरा आईटी से दो स्टॉक्स देना चाहूंगा एज अ ट्रेडिंग टिप्स। मेरा पहला वाला है एलटीआईएम, जो माइंडट्री के नाम पे कहा जाता था, अभी एलटीआईएम के नाम से ट्रेड हो रहा है। एक चार्टिकली देखोगे आप, एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, उसका लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक एक बॉटम रिवर्सल बन के एक मोमेंटम में आ रहा है। मेरे ख्याल से इधर से अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 4570 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है, 4750-4800 का एक अपसाइड टारगेट रह सकता है, और 4450-4480 तक एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक है FSL, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड। FSL आप देखोगे एक राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न, मतलब उतना क्लासिकल नहीं है जैसा फॉर्म हो रहा है, एक एक्युमुलेशन जैसा पैटर्न भी हो रहा है अराउंड 105 की 105-100 के आसपास। अभी उसका एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। स्टॉक का भी एक 200 डे ईएमए का एक रेसिस्टेंस ले रहा है अराउंड 112 के आसपास। मेरे ख्याल से एक आध दो दिन में वो रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा ऑन द अपर साइड, और उसके बाद में अच्छा खासा एक अपसाइड मोमेंटम दिखने को मिलेगा। आगे वाले दिनों में अराउंड 116-117 का एक टारगेट बन सकता है इस स्टॉक में, और 107-108 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, एक तो LTI है और दूसरा FSL है, ये फर्स्ट सोर्स लिमिटेड के नाम से कंपनी है, तो आप इन दोनों ही शेयर्स पे ध्यान रखिएगा, दोनों पे बाय कॉल है। हालांकि निफ्टी इस बीच अपने आप को रिकवर करने की अब कोशिश कर रहा है, सिर्फ 3 से 4 पॉइंट की गिरावट रह गई है। ये वो फर्स्ट सोर्स का शेयर है जिस पे भी रिकमेंडेशन है, तो दोनों पे लगा दीजिए ठप्पे, LTI माइंडट्री पे भी और एक फर्स्ट सोर्स पे भी बाय का, ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए कि एक्चुअली मार्केट के अंदर हमको करना क्या है। सिर्फ बात नहीं, एक्शन भी पता लगे ना कि एक्चुअली होना क्या है, करना क्या है। मार्केट कोशिश तो कर रहा है धीरे धीरे रिकवर करने की, और मैं तो बोलूँगा मिस्टर शेट्टी, अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ना, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन मेरी भी ऐसी है कि एक फ्रेश राउंड ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आ सकती है, वो अभी आए कल सुबह आए पता नहीं, बट ओवरसोल्ड में तो हम हो ही गए हैं। क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं सुदीप? गुड आफ्टरनून। आप इस वक्त क्या करेंगे इंडेक्स पर? आपको भी लगता है कि एक बार के लिए रेंज है, क्योंकि एक्सपायरी का भी एक हैंगओवर है, और कल से अगर कोई डायरेक्शन लेनी हो बाजार में ट्रेडर्स को, तो क्या ले सकते हैं, या फिर अभी बाकी बचे आधे घंटे के लिए क्या डायरेक्शन ले सकते हैं इंडेक्स पे? गुड आफ्टरनून। मुझे ये लग रहा है कि आज पूरे दिन में हम जो हिसाब से ये रेंज में ट्रेड कर रहे हैं अराउंड 530 के नीचे के साइड, और 600-610 ज्यादातर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे 610-615 ऊपर के साइड। आज भी अभी ये लास्ट 15 मिनट भी अब हम देखें तो निफ्टी ने 17622 के आसपास का एक हाई बना के वापस से एक सडन ये कैंडल में फॉल दिया है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल लास्ट आधे घंटे में 17610-620 के करीब फॉर अगर हीरो जीरो ऑप्शन के परस्पेक्टिव से अगर किसी को करना है तो वहां पे शॉर्ट जा सकता है, और 17570-17568 के करीब आए अगर स्पॉट निफ्टी, तब वहां से एक बार लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो ये अगले आधे घंटे के लिए ये 50-60 पॉइंट की रेंज रहेगी, क्योंकि 17600 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रहा है और अभी 550 पे पुट राइटिंग और पुट राइटर है, तो मुझे लग रहा है ये रेंज में तो रहेगा। और आने और रही बात पोजिशनली, तो 17500 जब तक नहीं टूटता है तो मुझे लग रहा है एक बार थोड़ा बायसनेस अपसाइड का रखना चाहिए, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से काफी करेक्शन आ चुका है मार्केट में, जो भी अदानी रिलेटेड जो पूरा एक बैंकिंग प्रेशर में रहा है, अदानी स्टॉक्स प्रेशर में रहा है, वो काफी कुछ ऑलरेडी मुझे लग रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है मार्केट में। तो और उसके बावजूद निफ्टी 17500-17600 के बीच में स्टेबिलाइज होने की कोशिश कर रही है, और लास्ट 3-4 दिन से हमने देखा है कि 17600 के नीचे का क्लोजिंग भी नहीं दिया है मार्केट में, इतना सारा इतने बजट की वॉलिटिलिटी, अदानी का जो सागा पूरा हुआ है ये, तो उसके बाद अगर 17600 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता है मार्केट, मुझे नहीं लगता हमें बेरिश होने की कोई जरूरत है। हालांकि एक चीज है कि स्टॉक स्पेसिफिक हमें चुनना चाहिए, बिकॉज स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम चार्ट देखें तो 7-8 स्टॉक्स अगर जैसे ITC, HUL, M&M और HDFC बैंक, इनको छोड़ के काफी स्टॉक्स में थोड़ा अभी भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, तो एक बार स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया रख के मार्केट के लिए 17500 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। दोनों के दोनों मेहमानों का एक ही लेवल पे आके सपोर्ट मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि 17500 जाएगा नहीं, ये बच जाना चाहिए, सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखिए डाटा देख के सबको ऐसा लग ही रहा है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आजकल मार्केट ना वैसा रिएक्ट कर नहीं रहा। मैं एक छोटा सा रिस्क